लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीटेट के लिए लेटर जारी किया जाए, तो इस पे विभाग सोच रहा है और जैसे ही इस पे डिसीजन लिया जाएगा वो आप लोगों से साझा किया जाएगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए उस लेटर का, जैसे ही शिक्षा विभाग इस चीज को सोचेगा, जैसे ही इस पे डिसीजन लिया जाएगा वो आप लोगों से साझा किया जाएगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए उस लेटर का, जैसे ही शिक्षा विभाग इस चीज को सोचेगा, इस चीज पे डिसीजन लिया जाएगा, वो आप लोगों से साझा किया जाएगा। जानकारी नहीं रह पाता था, आपने तो बहुत बार कनेक्ट हमसे होने का प्रयास भी किए, मैंने स्पष्ट रूप में आपको बताया कि मेरे पास जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपको गलत जानकारी नहीं है ना, इसलिए हमने पटना अभी इधर ही 10 दिन पहले आए हुए हैं और आने के बाद हमें जो सचिवालय से अपडेट मिल रही है पर साबित तो नहीं करेंगे जी। ठीक है सर, सबसे पहले तो सर आपको बता दें कि अभी एसटीईटी का मुद्दा गरमाया हुआ है, ये तो सर आप जानते हैं। हाँ, वो तो हम जान ही रहे हैं कि एसटीईटी का मुद्दा गरमाना भी चाहिए था क्योंकि तो बहुत लंबे दिनों के बाद तो पहली बार वैकेंसी आई है ना, उसके बाद सरकार ने इस कोरोना काल में जहाँ मरते हुए लाशों के ढेर पर लोगों से एग्जाम करवाए, उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी मतलब किए, उसके बाद एक बार रद्द करा करके फिर दोबारा एग्जाम कंडक्ट किए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बना करके फिर वो मेरिट लिस्ट को रद्द किए हैं। तो यह स्टेट का मुद्दा तो निश्चित तौर पे गरमाना ही चाहिए था और ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं, युवा एक मतलब संजोग बस बोलिए या कहिए कि ये मतलब बहुत एक अच्छा रास्ता है जो कि हिंसा का सहारा नहीं लेकर के हिंसा के जरिए चलने का प्रस्ताव किया है, इसके लिए वो सराहनीय है। हम उसके लिए उनको बच्चे को हम अपने बच्चे जितने भी हमारे श्रोतागण है जो हमें सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो सर एक चीज बताइए सर कि अभी जो एसटीईटी 8वें चरण की बहाली के लेकर बात किया गया, क्या इसमें प्रारंभिक वाले के भी कुछ न्यूज है क्या सर? आपको बता देना चाहते हैं कि 6वें चरण की जो बहाली है जी जी वो 5 से लेकर के 8 तारीख तक काउंसिलिंग है, वो काउंसिलिंग तो चल रही है जी, और कुछ अपने सरकार को अगर होगा तो 19 दिन वो अपने फेरबदल काउंसिलिंग में वो करेगा जी, ये चीजें तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन 7वें चरण की बहाली बहुत जल्द ही आने वाला है जी, ये चीजें सचिवालय से क्लियर हो करके आ रही। सर अभी एक रिक्ति मंगाई गई है एसटीटी को लेकर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितने ज्यादा सीट खाली है इसके ऊपर बात किया गया है, गिरवल दयाल सिंह जो है उनके तरफ से एक नोटिस बजाब जारी किया गया है, उसमें प्रारंभिक जिक्र नहीं किया गया सर, ये एक मैटर अलग हो जाता है ना सर? देखिए एक चीज आपको बता देते हैं कि सरकार कुछ चीजों को जनता के सामने रखना चाहती और कुछ मैटरों को जनता से दूर छुपा करके रखना चाहती जी, इससे ये चीज मतलब लोगों को क्लियर कंसेप्ट नहीं मिल सके कि हम आगे क्या करने वाले जी। लेकिन विपक्ष का जो दबाव है, माननीय तेजस्वी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर मुद्दे पे जो सरकार को शिक्षक के बहाली में जो घेरने का काम किए और अपने इलेक्शन को मुद्दा जो बनाए टीचर के लिए करके है ना जी, उससे सरकार पूरी सहमी हुई जी और डरी हुई जी, और इसका मतलब फायदा भी तेजस्वी जी को मिले हैं जी, और तेजस्वी जी ने इसको प्रण ले लिया है कि जितना सम्मान हमारे शिक्षक लोग दिए हैं हमको जी और जितना उनको वोट दिए हैं शिक्षक लोगों ने, से तेजस्वी यादव ने पूरा हर अपने स्पीच में ही हर कॉन्फ्रेंस में ही एक बार टीचर का नाम ले लेते हैं और उसी के चलते नीतीश कुमार बैकफुट पर चला गया है। अगर वो पूर्ण अगर शिक्षक की बहाली नहीं लेता तो निश्चित तौर पे अभी तो 43 सीट था ना नीतीश जी का, अभी 3 सीट से ज्यादा नहीं आने के लिए, इसलिए नीतीश कुमार को ये बातों को समझ में आ चुका है और वो एक एक वैकेंसी कर को बहाल करेगा और ये बहाल 6 महीना के अंदर होगी जैसा हमें सचिवालय से सूचना प्राप्त हो रही है। सर इसलिए हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोतागण हैं वो अभी से ही सीटेट की तैयारी में लग जाएं और जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हुए वो प्रिपेयर्ड हो ले और अगले कुछ ही दिनों के बाद सीटेट का जो है ना आपको फॉर्म जो है फिलअप होने वाला है, इसमें अगर बच्चे अगर पास हो जाते हैं तो उसको भी 7वें चरण में योगदान
की मौका प्राप्त हो। सर अभी तो खुद हजारों की संख्या में सर क्वालिफाइड सीटेट होकर बैठा हुआ है, बीटेट होकर बैठा हुआ है, क्योंकि आपको बताते चले सर कि दिसंबर हो या फिर जनवरी सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी मतलब हजारों की तादाद में है सर, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी सर जिनका तो एज भी ज्यादा हो चुका है, अगर इस बार उनको मौका नहीं मिलता तो फिर वो अपने लाइफ से ही वो रिटायरमेंट ले चुके होंगे, तो फिर उनको क्या आपके पास सचिवालय से क्या कुछ अपडेट आई है सर? गोयल जी आप एक चीज को तो आप जानते हैं है ना जी, कि अभी जैसे आपने बात बोले कि बस बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसकी उम्र जो है ना एक्सपायरी के जैसे दवा एक्सपायर हो जाती है ना जी जी, इसी प्रकार से हमारे विद्यार्थी का मतलब उम्र भी एक्सपायर की ओर चला गया जी जी जी, जी। तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं की है जी, क्योंकि आज भी सरकार उसी पुरानी नियमावली से बहाली ले रहे हैं जी, कोई नई नियमावली लागू करके बहाली ना ले। सचिवालय से क्या अपडेट आई है ये बताइए, नियमावली सर जी 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 ये बात सर आप सही बोले, नियमावली पुरानी है ये एक बार सही बात है, वही तो बात हम आपको बता रहे हैं ना, मेरी बातों को सर काटने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं क्या करूं जी, हमारा कहना है कि सरकार उस बच्चे के लिए जिसको एक्सपायरी दवा जैसे होता है ना वैसी एक्सपायरी जो है बच्चे की उम्र हो रहे हैं उसके लिए सरकार कोई नहीं सोच रही, वो जो पुरानी परंपरा जो पुरानी नियमावली था उसी नियमावली के आधार पर जो है ना वो अपना मेरिट लिस्ट बना रहे हैं जी जी, तो निश्चित तौर पर जो नए बच्चे आएंगे हमारे सीटें पास करके उसका अगर मार्क्स बढ़िया रहेगा तो फिर ये जो एक्सपायरी दवा है वो तो एक्सपायर हो जाएंगे, फिर बेचारा का शादी विवाह तो जानते हैं कि कुत्ता घर का ना खाना घाट का होगा वो है ना, वो कभी इस द्वार से उस द्वार उस द्वार से उस रहेगा, आधा आदमी तो बेचारा ऊपर के जाएंगे आधा तो नीचे मरेगी, यही तो आलम जी, तो उसके लिए हमें कोई बात नहीं करनी, हमें जो अपडेट आई है वो कि सप्तमी चरण का होने वाला है, आप तो तैयार रहें जी, तो सर आपके पास ये अपडेट आई कहाँ से सो बताइए सर? सचिवालय से आई हुई है, हमने सचिवालय में जा करके हम बोले कि 10 दिन पहले हमने पटना उपस्थिति किए थे और उसके बाद मैंने सचिवालय में जो हमारे जो अपने कलिंग है उनसे मैंने बात की है, उनसे ज्यादा जानने का प्रयास किए हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है वो 110% सही है, इसलिए आप भी कहीं अगर चैनल इधर उधर आप देखते हैं तो आप देख लीजिएगा और एक आध दो दिन के अंदर जो है ना इस बात को दिया जाए। सर एक बात और है कि ये जो प्राथमिक शिक्षा के जो निर्देशक है उनसे भी बात हुई थी, तो ये बात तो वही बात जो अभी आप बोले वही बात वो भी बोले थे, शिक्षा मंत्री भी बोले थे, लेकिन आज प्राथमिक शिक्षा के जो निर्देशक के जो मैम है वो भी आज लाइव थी, तो वो भी ये बात बोली थी कि ठीक है ऐसे आप लोग के लिए जो है किया जा रहा है बहुत जल्द आएगा ऐसा कि प्रारंभिक स्कूल को भी बहाली आएगी, जल्द ही आएगी। तो खैर वो तो हमें जानकारी नहीं है वो क्या उनका मैम बोली और कौन उनका गर्लफ्रेंड बोले उससे हमको कोई लेना देना जी, हमें जो जानकारी कन्फर्म है हम उसके बारे में बता रहे हैं और किनका मैम और किनका गर्लफ्रेंड क्या बोलता है वो तो उनका मैटर जी। नहीं सर आज वो मैम जो लाइव आई थी ना उन्हीं के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो नहीं ठीक है वो आप देखते हैं, हम तो कभी उनका देखते नहीं है, अब उनका मैम आई कि उनका गर्लफ्रेंड आई वो तो आप ना देखिएगा जी, वो हम तो देखेंगे, वो हमारा दिखने का।